एंटीविनोम बनाने के लिए लाखों की संख्या में सांपों का पालन किया जाता है और उन्हें उनके फेवरेट चूहे दिए जाते हैं। फिर एक्सपर्ट उन सांपों को पकड़ते हैं, इस पिक्चर में दिखाए जा रहे तरीके से सांपों का जहर सीसी में निकालते हैं, फिर इस प्वाइजन को -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जमने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह प्वाइजन जम जाता है तो इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल दिया जाता है जिससे ये बिल्कुल सूख जाता है और फिर इसको इधर उधर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर इस सॉलिड प्वाइजन में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर या तो फिर कोई हेल्पिंग केमिकल मिक्स करके फिट बनाकर अच्छी नस्ल के घोड़े में गर्दन वाली एरिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है। 8 से 10 वीक में घोड़े के ब्लड में भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक बनके तैयार हो जाती है। तब डॉक्टर इंजेक्शन की हेल्प से घोड़े का ब्लड निकालकर लैब में ले जाते हैं और ब्लड में से एंटीबॉडी निकाल कर अलग कर लेते हैं और एंटीविनोम बनके तैयार हो गया। यह एंटीविनोम सूखा रहता है और फ्रिज में लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। जब डॉक्टर को यूज करना होता है तो डॉक्टर उसमें थोड़ा सा सलाइन सोल्यूशन ऐड करके लिक्विड बना लेते हैं और पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं।